चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अब मुंबई के सियासत की करेंगे। चुनाव आयोग ने शिवसेना की कमान अब शिंदे गुट को सौंप दी है। आयोग के इस फैसले के बाद शिंदे गुट जश्न मना रहा है, तो देर रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बाला साहेब स्मृति स्थल जाकर बाल ठाकरे को नमन किया है। और दूसरी तरफ आयोग के फैसले से चोट खाए उद्धव ठाकरे को अब सुप्रीम कोर्ट आखिरी उम्मीद नजर आती है। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला कर लिया है। और इन सब के बीच आयोग के फैसले के बाद शिंदे और ठाकरे के समर्थक आमने सामने भी आने लगे हैं। रत्नागिरी में दोनों गुटों के बीच जमकर झड़प हुई। महाशिवरात्रि से एक दिन पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा। चुनाव आयोग के फैसले ने उद्धव ठाकरे के पैरों तले की जमीन खिसका दी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं, उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। तो शिंदे गुट में जश्न का माहौल है। तीर कमान पर फैसला आने के बाद सीएम एकनाथ शिंदे ने देर रात बाला साहेब स्मृति स्थल जाकर बाल ठाकरे को नमन किया। ये जो भी हुआ है बाला साहब के आशीर्वाद से ही हुआ है। हम लोगों ने सरकार स्थापित किया है, वो भी बाला साहब के आशीर्वाद से, उनके विचार को आगे लेके जा, इसलिए जो भी हमारे पीछे आशीर्वाद बाला साहब का है, उनके विचार को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसलिए चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका हम लोग स्वागत करते। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट जहां जश्न में डूब गया, वहीं मातोश्री के बाहर उद्धव ठाकरे गुट के लोगों की भीड़ जमा होने लगी। समर्थक उद्धव ठाकरे के समर्थन में नारेबाजी करने लगे। शिवसेना का तीर कमान अब शिंदे गुट को मिल चुका है। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि वो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। आयोग के फैसले के बाद एकनाथ शिंदे ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल बदल ली। बाला साहेब ठाकरे और तीर धनुष दोनों शिंदे की प्रोफाइल में नजर आने लगे और शिंदे गुट के कार्यकर्ता इसे अपनी बड़ी जीत मानते हुए जश्न मनाने लगे। चुनाव आयोग का फैसला महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर कर सकता है और इसका अंदाजा उद्धव ठाकरे को भी है। तभी उन्होंने ऐलान किया है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। बिल्कुल, हम चुनौती देंगे। बिल्कुल लग रहा है और हमारा मानना है कि वो अभी आखिरी एक उम्मीद है। देश की जो कोर्ट है, देश का सर्वोच्च कोर्ट है, वो आखिरी उम्मीद रही है कि ये प्रजातंत्र देश में जिंदा रहे या मर जाए। निर्णय लगता है तो वो अच्छा होता है। जब उनके विरोध में लगता है तब लोकशाही को धोखा है। ऐसे दुटप्पी भूमिका नहीं ले सकते और जिसको जहां मर्जी लोकशाही में कोई भी कहीं पर कोर्ट में जा सकता है, वो जिनका अधिकार है। चुनाव आयोग के फैसले ने महाराष्ट्र की राजनीति में उफान ला दिया है, लेकिन 76 पन्नों के अपने फैसले में चुनाव आयोग ने एक एक बारीकी बताई है। चुनाव आयोग ने करीब 5 महीने तक मामले की सुनवाई की और दोनों गुटों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया। सब कुछ देखने समझने के बाद चुनाव आयोग ने कहा, एकनाथ शिंदे गुट के पास शिवसेना के 55 में से 40 विधायकों का सपोर्ट है। उद्धव ठाकरे के गुट के साथ सिर्फ 15 विधायक हैं। चुनाव आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि शिवसेना के 55 विधायकों को कुल 47,82,440 वोट मिले थे। इनमें से 36,57,327 वोट एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को मिले, जबकि 11,25,113 वोट उद्धव ठाकरे के गुट के विधायकों को मिले। इस लिहाज से 76% सपोर्ट एकनाथ शिंदे के गुट के साथ है, जबकि उद्धव ठाकरे के साथ करीब 24% वोट है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में आगे कहा कि अगर सांसदों के सपोर्ट की बात करें तो लोकसभा में शिवसेना के 19 सांसदों में से 13 सांसदों का सपोर्ट एकनाथ शिंदे के साथ है। 6 सांसदों के सपोर्ट का दावा उद्धव ठाकरे के गुट ने किया। राज्यसभा के 3 सांसदों का समर्थन उद्धव के साथ है।
चुनाव आयोग का कहना है कि लोकसभा सांसदों के वोट के लिहाज से देखें तो शिवसेना के सांसदों को कुल 1,02,45,143 वोट मिले। इनमें से एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में जो सांसद हैं उनको 74,88,634 वोट मिले, जबकि उद्धव गुट के सांसदों को सिर्फ 27,56,509 वोट मिले। यहां भी एकनाथ शिंदे गुट के साथ 73% शिवसेना के सपोर्टर हैं और उद्धव गुट के साथ शिवसेना के सिर्फ 27% वोटर हैं। चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट और बीजेपी के चेहरे खिल गए। चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये लोकशाही का विजय है। इंद्रदेव सम्राट बाला ठाकरे जी, धर्मवीर अनंत दिघे जी, इनके विचारों का विजय है। और मेरे साथ मैंने जो भूमिका ली उसके साथ जो 50 विधायक और 13 सांसद, हजारों लाखों कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शिवसैनिक, ये इनका विजय है। मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, इनकी शिवसेना को, शिवसेना का चिन्ह धनुष बाण और शिवसेना का नाम मिला है। अब ओरिजिनल शिवसेना ये एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना बनी है। मैं एकनाथ शिंदे जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। हम लोग पहले दिन से इस बारे में कॉन्फिडेंट थे क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अलग अलग पार्टियों के बारे में इसके पहले के अगर आप निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय उन्होंने दिए है। वहीं राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का एक पुराना वीडियो शेयर कर चुनाव आयोग के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नाव आणि पैसा, पैसा येतो, पैसा जातो, पुन्हा येतो, पण एकदा का नाव गेलं की परत येत नाही, ते येऊ शकत नाही, काळ्या बाजारात सुद्धा मिळायचं नाही, म्हणून नावाला जपा, नाव मोठं करा। एक तरफ शिंदे गुट और बीजेपी चुनाव आयोग के फैसले पर खुश दिखे तो वहीं दूसरी ओर उद्धव गुट और कांग्रेस ने चुनाव आयोग को निशाने पर लिया। अरे एक दिन तो चोरों को जश्न मनाने दो, सिर्फ उनको इतना ध्यान में रखना चाहिए कि ये चोरी है, अपना खुद का बनाया हुआ कुछ नहीं है। वो बाला साहब को चुराना चाहते है, धनुष बाण को चुराना चाहते हैं, तो चोरी में क्या मरदंगे। तो इन्होंने भले कागज पे धनुष बाण चुराया होगा लेकिन असली धनुष बाण मेरे पास है। ये तो पहले दिन से लोग इस बात को जान रहे थे क्योंकि चुनाव आयोग। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने सुअर का पालन शुरू किया है क्या? तो आप अपने सुअरों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। वही करेगा जो उसको ऊपर से निर्देश मिलेगा। आज का चुनाव आयोग वो सेशन वाला चुनाव आयोग नहीं है कि जो अपने विवेक से फैसला लेता हो। सभी लोग जानते हैं कि अब ये जेबी संस्था बनकर रह गई है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद जहां शिंदे गुट के जश्न मनाने की तस्वीरें सामने आई, वहीं रत्नागिरी के दापोली में शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के समर्थकों में भिड़ंत हो गई। शिंदे गुट के विधायक योगेश कदम के समर्थक उद्धव ठाकरे गुट की शाखा में घुस गए और फिर जोरदार नारेबाजी करने लगे। मामला बिगड़ता देख पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। जाहिर है महाराष्ट्र की सियासत में बाला साहेब ठाकरे की विरासत पर दावेदारी का मामला इतनी जल्दी शांत होता नजर नहीं आता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।